देखो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, लिखो कि जब एक कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद, जब एक कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद हो गया, दूसरा कार्य प्रारंभ हो, जब एक कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। दूसरा कार्य शुरू हो, एक कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो चाहे शुरू हो, तो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हो गया, देखो इसमें भी दो कार्य होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, हो सकता है ना, लेकिन मान लो एक कार्य हो गया, इसमें दो कार्य हो रहे हैं ना, तो दो कार्यों में क्या होगा, एक कार्य जो होगा, जो मान लो इसको सेंटेंस नंबर वन, मान लो इसको सेंटेंस नंबर, ठीक, इसमें एक कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो चुका होगा, मान लो यही भर गए तो यह कार्य क्या हो गया होगा, समाप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म हो गया होगा, उसके बाद ही दूसरा कार्य शुरू होगा, यानी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ समय अंतराल जरूर रहेगा, एक कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद ही दूसरा कार्य शुरू होगा। वहां किसका प्रयोग करेंगे हम, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, है ना। रूल ऑफ सिंथेसिस का देखो, देखो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या था, ये देखो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है कैसे, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप, माने वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है एक्टिव में, अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो हैविंग प्लस वी थ्री यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद यही होता है। अब पैसिव में हो तो पैसिव में होगा तो हैविंग, और हैविंग के बाद हम जोड़ेंगे बी, और पैसिव में तो फिक्स है कि वर्ब का, इसमें भी वर्ब का, ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ऐसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण करते हैं, रूल ऑफ सिंथेसिस नहीं बताया, परफेक्ट पार्टिसिपल में ऐसे बदलता है वर्ब को, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उससे पहले क्या जोड़ेंगे हैविंग, जिस वर्ब को हमको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना है उसमें उससे पहले जोड़ेंगे हैविंग, और उसका कौन सा रूप देंगे, और वाक्य अगर पैसिव में हो तो हैविंग बीन, उसके बाद वर्ब का उतार लो, फिर बता रहे हैं रूल ऑफ सिंथेसिस क्या होता है, तो साफ कर दें, रूल्स ऑफ सिंथेसिस यही ना, सिंथेसिस का नियम देखो ध्यान से, मान लो रूल्स ऑफ सिंथेसिस में अगर एक सेंटेंस दिया है, फिर यहाँ दिया है सब्जेक्ट वर्ब और, अब मान लिया कि सेंटेंस जो पहले समाप्त, इसको सेंटेंस नंबर वन कर दो, इसको सेंटेंस नंबर टू कर दो, और सेंटेंस नंबर वन मान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में है, है ना, पहले एक्टिव वॉइस वाला रूल फॉलो करते हैं, है ना। अगर एक्टिव वॉइस में है तो क्या करना है, जो कार्य इसमें भी वही नियम होता है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसी को वर्ब को हम किस में बदलते हैं, पार्टिसिपल, है ना। प्रेजेंट और परफेक्ट के लिए नियम एक होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए नियम एक ही होता है कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसके वर्ब को हम किस में बदल देंगे, पार्टिसिपल में बदल देंगे, है ना। इसमें मान लो जो कार्य पहले समाप्त हुआ, तुम मान लो कि सेंटेंस नंबर दो का कार्य पहले समाप्त हुआ, फर्स्ट को छोड़ दो, है ना, सेंटेंस नंबर दो का कार्य पहले समाप्त हो तो पहले इसी के वर्ब को लेकर आएंगे, है ना, और सबसे पहले क्या जोड़ देंगे, वर्ब का कौन सा रूप देंगे, वर्ब का, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे वो जरूरी नहीं कि पहला ही कार्य समाप्त करेगा सेंटेंस नंबर वन का, सेंटेंस नंबर टू के भी कार्य को समाप्त कर दे सकते हैं, है ना, किसी भी कार्य को समाप्त करे, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम लेकर आएंगे सबसे पहले, जब पार्टिसिपल में बदलेंगे तो, और परफेक्ट में बदलना है तो पहले जोड़ेंगे हैविंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे इसके बाद, है ना, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद कॉमा देंगे, और कॉमा के बाद इस सेम सेंटेंस को यहाँ उतार उतार, दो सेंटेंस है, कोई भी कार्य दोनों में से किसी सेंटेंस का कार्य पहले समाप्त होता है उसी को पार्टिसिपल में बदलना है, तो बता चुका है, तो मान लो सेंटेंस नंबर टू है उसका कार्य पहले समाप्त होता है,
मैंने दो सेंटेंस देगा कम से कम पार्टिसिपल में बदलने के लिए, देगा ना। जब दो सेंटेंस देगा सिंथेसिस करने के लिए, तो मान लिया कि सेंटेंस नंबर टू है उसका कार्य पहले समाप्त हो रहा है, उसी को पार्टिसिपल में बदलेंगे, बदलेंगे ना। जब बदलेंगे तो इसका जो भर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म देंगे, देंगे और उससे पहले क्या जोड़ देंगे, यानी पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर इसी के ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे, फिर इसके बाद कॉमा देंगे और इस सेम सेंटेंस को सेंटेंस नंबर वन को यहाँ उतार देंगे। ये नियम किसके लिए है, एक्टिव वॉइस के लिए, है ना, एक्टिव के लिए उतार लो। He raised his gun. Example में कहा है कि he raised his gun. दूसरा sentence कह रहा है कि he took aim. और तीसरा कह रहा है कि he shot the tiger. तीन sentence दिया है ना। पहला में कहा है कि he raised his gun. उसने अपनी बंदूक उठाई, उसने अपनी बंदूक उठाई, he took aim, उसने निशाना लगाया, he shot the tiger, उसने टाइगर को मारा। तो पहला देखो, कह रहे कि he raised his gun, उन्होंने उसने अपनी बंदूक उठाई, उठाने का कार्य पहले समाप्त कर लिया, फिर जाके निशाना लगाया, उसके बाद टाइगर को मारा। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, हालांकि प्रेजेंट पार्टिसिपल पर भी इसको बना सकते हैं ना। परफेक्ट पार्टिसिपल से अगर हमको बनाना है तो पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ है, पहले कौन दू उठाया है, उठाया है ना। अब यह सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में, एक्टिव में है, यहाँ ध्यान देना है, पैसिव वॉइस अगर सेंटेंस है पैसिव वॉइस तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं है। इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब आना ही आना है पैसिव वॉइस है, है ना। बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या रखना है, और हैविंग रखने के बाद पहले समाप्त होने वाले वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है। तो रेज्ड, रेज्ड का थर्ड फॉर्म होता है रीजन, रेज्ड होता है, रेज्ड होता है रीजन, निकलना का होता है, उदय होना शुरू होता है, एक होगा रेज्ड हैविंग रेज्ड हो जाएगा हिज Having raised his gun, कामा देके, he took aim and shot the tiger. हाँ बोलो। कोई दिक्कत है बता? Perfect participle. Present participle से बनेगा कि raising his gun, he took aim and shot the tiger. बनाया जा सकता है। हाँ बनाए। हम समझे कि पानी गर्म है, ठंडा उठा के डाल लिए, कोई जरूरी नहीं कि ठंड में रोज नहाया ही जाए। पैसिव वॉइस वाला नियम इसका क्या कहता है देख लो ध्यान से, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट वर्ब, पैसिव वॉइस बिना सहायक क्रिया के नहीं आती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा नहीं आएगा, बना लो हाँ। पहले वाला एक्टिव वॉइस के नियम को तो पता नहीं चल जाएगा, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अच्छा परफेक्ट टेंस का अगर पैसिव वॉइस होगा तो हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, अगर हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस वाले नियम पर बनाएंगे, और हैज बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस वाले नियम पर बनाएंगे। सर जी सेकंड सेंटेंस में हो सकता है पैसिव, क्यों नहीं हो सकता है भाई, सेकंड सेंटेंस भी हो सकता है, अगर बताए हैं तो किसी भी सेंटेंस का कार्य पहले समाप्त हो सकता है। प्रेजेंट और परफेक्ट में यह ध्यान रखना है कि पहले समाप्त होने वाले कार्य यानी वर्ब को ही पार्टिसिपल में बदलना है। अब चाहे एक्टिव में हो तो एक्टिव वाला नियम लगाना, पैसिव में हो तो पैसिव नियम लगाना, हो जाएगा। हमने मान लिया कि सेंटेंस नंबर वन सेंटेंस नंबर टू इसका कार्य पहले समाप्त हो गया, दांत मत भाव यहाँ, इसका कार्य पहले समाप्त हुआ है, अगर इसका कार्य पहले समाप्त हुआ तो इसी को पार्टिसिपल में बदलेंगे ना। जब बदलेंगे तो किसमें है, पैसिव वॉइस में,
सबसे पहले क्या रखेंगे? Having. उसके बाद वर्ब का सब्जेक्ट को रख देंगे फिर यहाँ कॉमा देंगे और कॉमा के बाद फिर सेंटेंस को प्राइवेट टीचिंग का मतलब ना लोग ये भी नहीं कहेगा कि बेकार हो, लोग ये भी नहीं कहेगा कि कामयाब हो। प्राइवेट टीचिंग का मतलब यही है अपने क्षेत्र में, बस काम चला रहा है। लोग ये नहीं कहेगा कि बेकार है, लेकिन लोग लड़का पढ़ाता है भाई, प्राइवेट में पढ़ाता है तो क्या होगा, पढ़ाता है ना। लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि कामयाब है, प्राइवेट में पढ़ाता है कितना कमाता है, मैं भूखा था, मैंने अपना भोजन लिया था, खाया जो भी, तो है ना। आई वाज हंगरी, वाज है तो हंगरी, एक ऐसा वर्ब है जो तीनों फार्म में एक ही समान रहता है, पांचों फार्म में। ना हंगरी में आईएनजी जोड़ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब फार्म में ही होता है हंगरी। यहाँ मानेंगे कि थर्ड फार्म में है ना, पैसिव वॉइस में मानना है, ठीक, क्योंकि वाज लगा हुआ है। आई वाज हंगरी, में भूखा था। आई टुक माई फूड, इस सेंटेंस को बदलेंगे तो हो जाएगा हैविंग been hungry, I took my food, हो जाएगा being hungry, he was punished by his teacher. हो गया? He felt sorry. He was punished by his teacher. उसे उसके अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। He felt sorry. उसने अपनी गलती महसूस की। हाँ? जब इसको पार्टिसिपल में बदलेंगे तो यहाँ देखो वाज है और पनिश्ड में हुआ और कार्य भी पहले यही समाप्त हुआ है ना, उसके बाद है ना गलती महसूस की है, तो पहले दंडित किया गया और यह पैसिव वॉइस में है ना, चेंज करो पैसिव वॉइस में, तो नियम लगाएंगे पनिश्ड। अब यहाँ ध्यान देना, हैविंग बीन पनिश्ड, यह पूरा ऐसा रखेंगे बाय हिज टीचर, अपने अध्यापक से दंडित होने के बाद ही फेल्ड। बड़ा आसान लग रहा होगा ना।